तो अभी जप्पू की बुक भी कलेक्ट कर ली है स्कूल से, भूल ही गई मैं व्लॉग में दिखानी टिक्की में। वो देखो गाइस पापा आ रहे हैं वहां से, तोड़ दिया कुछ तो घर पे चले गए थे रेस्ट करने के लिए जप्पू की साइकिल लेके। दिखाओ अब हम ना गुल्लू मुल्लू वाली ड्रेस लेके आए, वो वैसे गोलू मुल्लू और गोलू मुल्लू लगे। ये वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो, होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं रेडी हूँ जिम जाने के लिए। सुबह के बज गए हैं, आज थोड़ा लेट जा रही हूँ, 7:40 सुबह के 7:40 बज चुके हैं। मैं रोज़ 7 बजे जाती हूँ पर आज थोड़ी सी लेट हूँ, 7:15 घर से निकल जाती हूँ। पर नैना गई है सुबह बंगला साहब गुरुद्वारे मासी के साथ, एवरी वेंसडे वो जाती है तो इसलिए वेंसडे को थोड़ा सा लेट जाती है। मैं तो वैसे ही लेट जाती थी जप्पू को स्कूल के चक्कर में, वो तो जप्पू का ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो मैं सुबह जा रही हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, उसी की वेट कर रही हूँ, उसकी कॉल आए तो घर से निकले। गुड मॉर्निंग जप्पू। जप्पू सड़ रहा है, यहाँ पे सड़ रहा है, सड़ रहा है, ये देखो चढ़ रहा है, स्कूल पढ़ना पड़ता है ना इस करके चढ़ रहा है। उठा के लाई हूँ इसको, जाएगा वॉशरूम, देन रेडी होगा, फिर इसकी क्लास है, आज से यूनिफॉर्म पहन के बैठनी है ना। देखो जरा वॉशरूम में कैमरा ले आओ तेरे पीछे है जप्पू, जपने चिढ़ता रहता सुबह उठने के, ठंड हो गया यार, बच्चों का दिल नहीं करता उठने का। तो करती हूँ नैना को कॉल, करती हूँ और पूछती हूँ कहाँ पहुँची है। सो गाइस जिम से आके नहा लिया है और रेडी हो गई हूँ, आ गई हूँ विंटर के कपड़ों में, ठंड हो गई है इसलिए ठंड वाले कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए हैं। और मैं भी सुबह जिम नहीं हो गया यार। तो अभी डुको और मैं दोनों रेडी हैं और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास क्योंकि डुको के टीथ में लगनी है कैपिंग। 6 महीने हो गए इसको ड्रामा देखते हुए। 6 महीने नहीं हो गए, तो 2 हो गए, 2 महीने से ये ड्रामा चल रहा है अब लास्ट है। बहुत छोटे छोटे से काम है जो करने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, पहले करवाएंगे टीथ में कैपिंग, देन उसके बाद हम लोग गाड़ी साफ होकर वैन लगी हमारे यहाँ पे, सही अगर के पास ही मिल गई यार, और मोटे होएंगे खा खा के। सही बात है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे, उसके बाद क्या क्या करना है आपने? अभी नंबर प्लेट लगवानी है। अच्छा नंबर प्लेट, जप्पू को स्कूल में जाना है, जप्पू की साइंस की बुक स्कूल में है चेकिंग के लिए थी तो वो बुक लेनी है स्कूल से। बस छोटे छोटे से काम है सारे खत्म करेंगे। तो टुकू के दांत में कैप लगवा के हम लोग निकल गए हैं और ये देखो टुकू का मुंह बंद है, 15 मिनट के लिए डुकू ने मुंह बंद रखना है क्योंकि जो दांत लगा जो कैप लगाई है ना वो थोड़ी सी डुकू को ऐसे लगा था कि जैसे ऑड सी लग रही है तो उसके ऊपर कॉटन चिपकाई है ना, कॉटन चिपका के मुंह बंद करवाया 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद कॉटन को हटाना है, 1 से 1.5 घंटा उस साइड से कुछ नहीं खाना, 1 से 1.5 घंटे के बाद दूसरी साइड से कुछ खा सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस बोले डॉक्टर ने लेने के लिए है ना, मेडिसिन तो कोई नहीं बोली। और आज फाइनली प्रोसीजर जो था वो हो गया डन, तो दांत का काम हो गया खत्म। आगे से किसी दांत को छिड़वाओगे सीधा निकलवा दोगे, जो बाड़ा ही निकलवा देना, पूरा नया लगवा लेना। ओके अब 15 मिनट डुकू की हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी, 15 मिनट शांति रहेगी स्कूटी पे। अब हम स्कूल जा रहे हैं, नंबर प्लेट लगवाने जा रहे हैं, उसके बाद स्कूल जाएंगे। तो अभी जप्पू की बुक भी कलेक्ट कर ली है स्कूल से, भूल ही गई मैं व्लॉग में दिखानी, डिक्की में डाल दी है स्कूटी की, पहले बुक ली है, अब जाएंगे नंबर प्लेट लगवाने क्योंकि डुकू ने अपना मुंह खोलना नहीं था फिर बोलते कैसे है ना, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि पहले बुक लेते हैं। तो अभी बुक ले ली, अब जा रहे हैं नंबर प्लेट लगवाने। तो नंबर प्लेट आ गई हमारी और ये प्लेट मैं ऑनलाइन मैंने मंगवाई थी, इसके ऊपर फ्रेम लगाओ ना तो अच्छी लगती है। यस गाइज अभी ना हम लोग निकल चुके हैं, डुकू मेरे को कहते हैं हरलीन व्लॉग बनाओ, पता नहीं डुकू ने क्या कहना है। मैं बता रहा हूँ नंबर प्लेट जो हमारा नंबर आया है, हाँ। जो 8 डिजिट नंबर है ना, 8 डिजिट नंबर, हाँ। जो सबसे पहले मैंने गाड़ी ली थी अपनी सेंट्रो थाउजेंड प्लेस पे 8 है जो, उसका भी 8 नंबर था बीच में। अच्छा अब जहाँ पहली गाड़ी का नंबर हमारा था 82, हाँ 82 प्लेट है ना,
और उसके बाद जो मैंने बुलेट ली हाँ। उसका 8000 उसका भी 8 आया बीच में हाँ। और उसके बाद जो क्या कहते हैं आर्टिका ली उसका भी 8125 8 आया ही आया बीच में, मतलब सब 8 से ही स्टार्ट है इसका भी, इसका भी 8 में आया, सब 8 से ही स्टार्ट है, मतलब 8 डिजिट आते ही है मेरे 1000 प्लेस में 8 ही मिलेगा हमको। हमारी बार में 8 है, मैं कह रही हूं 1000 प्लेस में हमको 8 ही मिलेगा मतलब, है ना, ये कहना चाहते थे आप? हाँ बस हमारा अपने अभी बाइक चल 8 आया था, पता नहीं क्यों। और कुछ कहना बाइक करोगे? अब मैं देख रहा हूँ बोलने लग गया हूँ तभी तो मैं आपको कह रही थी बोल लो कुछ, और मैं बड़ी देर से चुप था, मेरा दांत अजीब सा लग रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा सब। सो गाइस ये ब्लू कलर की साइकिल जब उन्हें ली है, धूप है इसलिए ढंग से दिख नहीं रही, खुश है ओ हीरो? अभी चला के जानी है, चला के चल ले जाएगा इतनी दूर। तो ये इसने साइकिल ली है, गली में जाके प्रॉपरली ढंग से दिख जाएगी क्योंकि अभी रिफ्लेक्शन आ रही है ना, दिखा देना मेरे को कि मैं कैसे चलाऊंगी। तो फाइनली जप्पू की साइकिल बर्थडे से पहले आ गई है, बर्थडे पे मांग मत लियो जप्पू कुछ भी। ब्लू वाली देखो मैच ही हो रही है। और क्या क्या लगवा लिया तो दिखा दे, ये देखो साथ में लाइट, लाइट चला, लाइट चला, चल बस कर, बस कर, चल बस कर, चले चलो हम जा रहे हैं अपनी साइकिल पे, जप्पू जा रहा है अपनी साइकिल पे, ये जप्पू आराम से हीरो मत बन, गिर जाएगा थी। जप्पू अभी लाया अपनी मासी को दिखाने के लिए साइकिल, अब जप्पू की मासी चलाएगी साइकिल, चलाओ चलाओ। तो गुड़िया एक मासी ने इसकी चला ली साइकिल, बैक कर रहे हो वो देखो गाइस पापा आ रहे हैं वहां से, तोड़ दिया कुछ हो तो बजाओ टीने नीने ब्लैक, पापा गिरन गए, पापा की ओ स्टंट कर रहे हो पापा, रेक मलबे में मत घुस जाना, इसको तो ब्रेक ही नहीं है, ब्रेक उसको पावर ब्रेक कहते हैं, इसको ऐसी होती है, ऐसी होती है जो वैसी ब्रेक का फायदा है जो रुके ही ना, ये नहीं पूरी दबा दी मैंने तब भी चल रही है ये, वहां तो ने चेक क्या किया था, मैं आपको यही उस टाइम तो उन्होंने दिखा दी थी, मैं आपको बोल रही थी रुको ब्रेक नहीं लग रही, उस टाइम तो सही लग रही थी ब्रेक, नहीं लग रही ना आगे, ये पूरी लूज पड़ी है ये लो। तो अभी हम खाने आए यहाँ पे कुलचा, और जो कल वाले लोग का थंबनेल है ना जो हमने साइकिल ली ना एकदम डिट्टू वही साइकिल लगाई हुई पापा ने दिखा ना, और और डॉक्टर ने मुझे कितनी देर मतलब 1 घंटे का बोला था ना कुछ नहीं खाना, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, कितना टाइम हो रहा है, सेवे खाई नहीं, अब हो रहे हैं सेवे से पेट भरता, 3 बज रहे हैं, अब देखो 3 बज रहे हैं, अब खाने लगा हूं मैं ब्रेकफास्ट और लंच जो मुझे चलो इसमें से बजे तक, तो दिल्ली आप सुबह जिम करने जाती ना बाद में काम को आगे पकौड़े खा लेती हैं फिर क्या फायदा होता, सारी मेहनत वेस्ट ही चली जाती है, फिर जब मैं खाऊंगी नहीं तो फिर इनका बिकेगा कैसे, छोड़ लो अभी तेरा भूख लगी हुई थी, दोनों के दोनों डिफेक्टेड पीस हैं, दोनों ही अपने दांत लेके बैठे होंगे, तेरे दांत में क्या हुआ है निकलने वाला है, तेरे कितने दांत टूटते हैं, डुगू को लेफ्ट साइड से खाना नहीं है, है ना, सुनो सुनो बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा हो गया बूढ़ा। तो घर पे चले गए थे रेस्ट करने के लिए जप्पू की साइकिल लेके, और अब आए हैं मंडी थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, दोनों लड़ने लगे हैं यहाँ पे, सीधा चल तो उल्टा चल, क्या हो रहा है, चलो आओ इधर आओ, तो वहाँ पे भी प्याज मिल रहे हैं नए, मैं अली को कह रहा हूँ पुराने लेंगे, नए भैया महंगे दे रहे हैं, अली पुराने लेंगे आगे से, तो यहाँ पे भी लिए जा रहे हैं टमाटर 50 रुपये किलो, प्याज नए हैं तो 60 रुपये, अभी पुराने देखते आगे कितने रुपए मिलते हैं, पुराने मिलेंगे 30 रुपये, 30 रुपये नहीं मिलेंगे इसका, 1 किलो इसका। तो सारा दिन निकल गया आज इधर उधर घूमने में, व्लॉग भी रास्ते का कम बनाए तो रश बहुत था,
और ये अभी मैंने एक सामान मंगाया, जब उसकी कर रहा अनबॉक्सिंग। सामान लेने गए थे अभी कुछ सब्जी वगैरह, और काजू की होगी मौज क्योंकि काजू के लिए लेके आए हम ड्रेस, तीन ड्रेस लेके आए हैं। अभी आपको हरलीन दिखाएगी, साथ में लेके आए हम सब्जियां, वो भी हरलीन आपको दिखाएगी। खोल गया तो जब तक मैं देख लेता, तो जो हमारा अनबॉक्सिंग करने लगा जप्पू, ये मैंने अपना कर लिया, ये वो मंगाया मैंने चार्जर, मेगा सेफ क्या कहते हैं उसको, मैग सेफ चार्जर मंगाया मैंने एप्पल के लिए अपना, तो देखते हैं इसको। तो जब उसको कर रहा अनबॉक्सिंग, ढंग से करिए उसको, कहीं चेंज चूंज ना करना पड़ जाए। ये बिल इसके अंदर रखा हुआ है, अमेजोन से मंगवाया मैंने। तो ये देखो मैंने ये मंगवाया मेरा एम्ब्रेन का, एम्ब्रेंस है, एम्ब्रेन है वो, एम्ब्रेंश एम्ब्रेंश एम्ब्रेन का मैक, क्या बोलते हैं इसको, मैक कवर, मैक सेव। ये देखो आराम से इसमें नीचे गिर भी नहीं रहा, मैग्नेट होती है ना एप्पल में, तो ये मेरा ये देखो फोन भी चार्ज हो रहा है। ये देखो साइकिल से वो नहीं उतर के लाया, ये मंगवाया मैंने। तो यहाँ पे हरलीन आ गई अपनी सीट पे व्लॉग बनाने के लिए, तो ये सारा सामान हम लेके आए हैं, घूम घूम के थक गई हूं मैं, आज सारा दिन हमारा घूमने ही निकल गया। आज मेरा लेग डे भी था ना, मैंने जिम में लेग्स करी थी तो बहुत ज्यादा, और वहाँ पर इसकी पंगेबाजी चल रही है। रख दे जप्पू उसको, काजू को जो हमने दो ड्रेसेस दी थी ना उसके, किस पे दी थी, जो दिवाली पे पता नहीं अब किस पे दी थी, देते रहते हैं तो ध्यान नहीं है। दिवाली पे उसको दो जो ड्रेसेस दी थी ना, वो पिंक वाली और वो उसको ड्रेसेस छोटी थी, मोटो उसको छोटी नहीं थी, वो थोड़ी बड़ी थी, ड्रेसेस तो ठीक थी। तो अभी हम उसके लिए ड्रेसेस चेंज करवा के दूसरी, चेंज करा के नहीं, उनके पास साइज नहीं था वो उसमें, फिर हम उनको वापस करा दिए, भैया ने उनको पेमेंट वापस दे दी। हाँ तो हम किसी और से लेके आए हैं ये वाली ड्रेस, दिखाओ। अब हम ना गुल्लू मुल्लू वाली ड्रेस लेके आए हैं, वो वैसी गोलू मुल्लू और गोलू मुल्लू लगी, ये था उसका पर्स, येलो कलर का, ना कुछ लगता वो लड़का है पर फिर भी पर्स है। अच्छी लग रही है ये, सुंदर लग रही है ना। जब जप्पू को हमने नाम रखा था कुछ इस तरह का ड्रेस थी ना वो भी, हाँ, येलो कलर की, वो मैंने संभाली हुई है, ड्रेस भी और ब्लैंकेट भी। हाँ जब जप्पू को हमने फर्स्ट नेम रख के आए थे हम, तो ऐसी ड्रेस थी कुछ, ये ड्रेस ली है उसके लिए। हाँ ये आप अलग से ना मतलब जैकेट भी डाल सकती है प्रिया का मन हो तो, बटन है ये भी सही है, बटन है क्योंकि आगे से फिर वो वाली होती है ना तो खुल जाती है, ये नीचे टॉप है और ऊपर जैकेट है, और ये कैप है जो उसने बिल्कुल नहीं पहननी, किसी कीमत पे नहीं पहननी, वो तो तार के फेंकती है बाहर। ये इसके साथ बॉटम है और ये इसके साथ पर्स है। तो आप बताना जरूर ये कैसी ड्रेस लगी आपको, मुझे पता आपको अच्छी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी हमारे एक के लिए गैलेक्स, गैलेक्स वाला सूट लिया है, प्रिया को ऐसे बहुत पसंद है इसलिए ये ले लिया। इसमें भी ये कैप वाली टी शर्ट है जो प्रिया वो बिल्कुल नहीं पहनने वाली कैप सिर पे, ये देखो, और इसके साथ ये टेडी वाली गैलेक्स है, डांगरी डांगरी इसको बोलते हैं, डांगरी ये देखो ऐसी आती है, डांगरी है ना, ये इतनी लेग से उसको छोटी तो नहीं होगी, नहीं ये पता है मेरे को इतने अच्छे कपड़े लगते हैं, जब जप्पू हुआ था ना तो उस टाइम पे हम नहीं लेते थे ऐसे कपड़े, उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, तो हम उस टाइम ले नहीं पाते थे, अब देखो अब हुआ है, काका तो हमें इतना शौक आता तभी हम लेते रहते, जो पसंद है ले लो, ये वाले ले लो, ये ले लो, तो हमारा शौक अब काजू पूरे कर रही है। और अभी हम सब्जियां लेने गए थे बुध बाजार, सब्जियां लेके आ जाती हूं, पहले क्या क्या लाई हूं, टमाटर लेके आई हूं 50 रुपए किलो, मटर लेके आए हैं आधा किलो 40 के, गाजर भी आधा किलो 40 की, प्याज 1 किलो 50 के, और मूली भी 1 किलो 40 की, और बैंगन 60 रुपए किलो, और गोभी भी 60 रुपए किलो। तो ये सब कुछ लिया है, सब्जियां बस यही लिया है, सब्जियां ही चाहिए थी ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था, तो 2-4 सब्जियां ले ली है, और एक बार चने बना लूंगी, एक बार दाल, सिंघाड़े फिर ले लिए हमने, सिंघाड़े फिर ले लिए हम लोगों, अब पट्टी लेके आए यहाँ पे, गज्जक पट्टी लेने ये सामान गए थे, और एक मैंने ये भी लिया है अदरक लहसुन की, कभी कभी मतलब जैसे अभी ठंड हो गई है ना तो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे नींद आती है, तो बीच में मुझे चाय की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए छोटा सा ये कद्दूकस लिया है, वो अदरक कद्दूकस करने के लिए, और ये है ना ऊपर, इससे फटाफट मूलियां भी ऐसी ऐसे फटाफट से छिली जाती हैं, आलू ये आलू बैठा बता रहा है, आलू छिले जाते हैं, गाजर छिली जाती है, मूली छिली जाती है, ऐसी चीजें। तो ये डुबू को एक फ्रॉक पसंद आ गई काजू पाजू के लिए, तो एक और फ्रॉक ले ली उसके लिए, उसकी किस्मत अच्छी है, वो जब भी मार्केट है उसके लिए कुछ ना कुछ आ ही जाता है। नीचे मैं इसके लिए ना वो भी देख रही थी हाईनेक बेबी पिंक कलर की,
तो मुझे मिली नहीं, अब प्रिया खुद ले लेगी। ये फ्रॉक ले ली है तो बस ये काजू की मोजे है। वो मीत भी रोंदी होगी कि मैं पागल हूं, मेनू कोई पूछता ही नहीं है। वाकई में उसके लिए कुछ नहीं लेते, बड़ी हो गई है अभी लियो तो था पीछे। कुछ नहीं लेती मैं इसके लिए भी, मैं कुछ नहीं लेती उसके लिए भी, मैं कुछ नहीं लेती क्योंकि ये हो गए बड़े। तो मीत के लिए भी ली तो है पीछे, ली था ना वही वही ड्रामा हो गया था ना, साइज इश्यू, फिर टॉप वापिस आया था, फिर दोबारा चेंज कराया, फिर दोबारा दिया। तो मेरे को साइज का पता ही नहीं चलता इन लोगों का, ना इसका चलता है। इसको भी मैं हमेशा ट्राई करा के अब कपड़े लेके आती हूँ, तो मुझे साइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इन दोनों के लिए छोड़ दिए हैं। काजू दा पाजू के लिए भी आ रहे हैं जब तक वो छोटी है, और ठीक है जब तक उसकी किस्मत में लेती रहेगी हमसे। तो अभी हम घर पे आ चुके हैं, खाना सोच रही हूँ मटर वाले राइस बना लूं। अभी बहुत टाइम पड़ा, अभी ज्यादा टाइम नहीं, 8:30 बजे हैं, आधा एक घंटा रेस्ट करूंगी, उसके बाद देखते हैं क्या खाना क्या नहीं। तो सारा दिन कुछ ऐसे ही बीत गया, अब सोएंगे, खाना खाने के बाद सो जाएंगे। तो मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज ये मत कहना कि हम लोग खाना बाहर से लेके आए थे और हमने आपको झूठ बोला, हम खाना बिल्कुल बाहर से नहीं लेके आए। बाहर से हम शोरमा रोल खा के आए हैं, इसलिए भी हमें खाने की भूख नहीं है। तो हम थोड़ी देर के बाद हो सके तो मटर वाले राइस बनाएंगे, अगर दिल किया तो, नहीं दिल किया तो एम ही सो जाएंगे शिंगाड़े खा के। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।